नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आजकल पेट की बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और ये एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से कई अन्य बीमारियों का जन्म होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंस्टिप्यूशन यानी कब्ज के बारे में। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कब्ज होता क्या है और इससे क्या परेशानियाँ हो सकती है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी मेरे आगे का वीडियो है वो आप तक पहुँचे और बेल आइकन का निशान बनने पर उस पर भी प्रेस करें। ये तो सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में ज़्यादातर बीमारियाँ पेट के रोगों से ही होता है और पेट की समस्या का जड़ है कब्ज यानी कंस्टिप्यूशन। तो अब जानते हैं कि ये कब्ज होता क्यों है। हमारे शरीर में एल्कलाइन और एसिडिक दोनों नेचर होते हैं, लेकिन अगर पेट में एसिडिक बैलेंस ज़्यादा हो जाए तो कंस्टिप्यूशन का कारण होता है। गलत खान पान तो कब्ज का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हैं तो वो भी आंत के किनारे जाकर जमा हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है कंस्टिप्यूशन का कारण। जिसे पचने में दिक्कत हो तो वो भी खाना आंत में चिपक जाता है और यहीं से शुरू होता है कंस्टिप्यूशन। कम सोना, कम पानी पीना, एक्सरसाइज नहीं करना या ज़्यादा देर तक बैठे रहना भी कब्ज का कारण होता है। खाना टाइम से नहीं खाने पर भी पेट में एसिडिक बैलेंस बढ़ जाती है तो इससे कब्ज हो सकता है। कब्ज के कारण आप में चिड़चिड़ापन बढ़ सकती है, मल त्यागने में परेशानी, पेट साफ नहीं होना, मल टाइट होना, ज़्यादा आलस लगना कंस्टिप्यूशन का मुख्य लक्षण है। लेकिन अगर इसे टाइम पे सही नहीं किया जाए तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पेट का अल्सर, हर्निया, पाइल्स आदि मुख्य बीमारियाँ हो सकती है। तो अब इसे ठीक करने की विधि भी जान लेते हैं। कब्ज को ठीक करने के ये तो बहुत ही कारगर और बेहतरीन नुस्खा है। इसके लिए आपको लेना है 100 ग्राम सौंफ, साथ ही लेना है हमको अजवाइन 100 ग्राम, 100 ग्राम सौंठ यानी कि सूखा हुआ अदरक, साथ ही लेना है 1 चम्मच काला नमक। इन सभी को मिलाकर मिक्सी में अच्छे से पीसकर पाउडर बना लें और हो गया आपका दवा तैयार। इस दवा को आप स्टोर करके रख लें और डेली सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ खाएं, साथ ही रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ खाकर सो जाएं। इससे आपका पेट का विकार दूर होगा, आंत साफ होगा, खाना पचेगा और कंस्टिप्यूशन जड़ से खत्म होगा। मैं आपको बता दूं कि आगे अब पेट की बीमारी की हर समस्या पे हमारे चैनल पे वीडियो मिलेंगे, इसलिए आप सभी अपनी समस्या बता सकते हैं जिससे उस बीमारी पर भी वीडियो बनाकर हम आपको सही परामर्श दे सके। उम्मीद करती हूँ कि पूरी जानकारी मिली होगी। अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे। आगे एक और वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।